तुम्हारा बच्चा मेरे लिए खतरा है और इस खतरे को पैदा होने से पहले ही मैं खत्म कर दूंगी। पिया, पिया क्या हुआ? पिया क्यों डरी हुई थी? क्या हो गया? अंश, अंश ने हैन ने क्यों बुलाया था माँ? जानने के लिए कि मोहना के दिमाग में क्या है? तो क्या पता चला? इससे पहले वो मुझे कुछ बता पाता, डायन रिक्शा से अपने साथ ले गया। क्या? अंश को? हाँ, लेकिन उसे देख के लगा उसे जो भी देखा था बहुत डरावना था, क्योंकि मैंने अंश को इतना डरा हुआ पहले कभी नहीं देखा। क्या करेंगे भैया? मैं जानती थी तुम डायन वृक्ष को जरूर बुलाओगे, इसीलिए मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रही थी। लगता है तुम्हें मेरे इरादों के बारे में पता चल गया। आप मेरे और पिया के बच्चे को मारना चाहती? नहीं बेटा, कौन सी दादी अपने ही पोते को मारना चाहेगी? लेकिन मैं क्या करूं, ये मेरी मर्जी नहीं, मजबूरी है, क्योंकि मेरे डायन कुंडली में ये साफ लिखा है मेरा अंत तुम्हारे संतान के हाथों होगा। अब तुम खुद ही सोचो, इतनी मेहनत और कोशिशों के बाद मेरे पास ये ताकत आई है, मैं इसे ऐसे ही तो जाने नहीं दे सकती ना। इसलिए अपनी जान बचाने के लिए मुझे तुम्हारी संतान की जान लेनी ही पड़ेगी। एक माँ होकर किसी दूसरी माँ की संतान कैसे छीन सकती है? अपने ही बेटे की औलाद को कैसे मार सकती है आप? जब मुझे मेरे बेटे की परवाह नहीं तो उसके बच्चे का परवाह कहाँ से होगी? वो भी तब जब मेरा बेटा मुझे खुद मरने के लिए छोड़ गया था। तुम सबने भी तो सिर्फ अपने बारे में सोचा था ना, मैं भी वही कर रही हूँ। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारी माँ इतनी भी बुरी नहीं है। मैं तुम्हारी बीवी और बच्चे को मारूंगी, लेकिन तुम्हारे सामने नहीं। पिया, क्या मैं आपको उसकी परछाई तक भी नहीं पहुंचने दूंगा? तुम कुछ नहीं कर पाओगे अंश, ना मुझे रोक पाओगे, ना खुद पिया तक पहुंच पाओगे। पर जब गए थे वहां पे तो कुछ किया का है नहीं तुमने, बताओ। और ऊपर से 1 किलो देसी घी का मिठाई अलग तुम देके आ गई हो, और वो आंटी 1 कप चाय का प्याला तक नहीं पूछी है। तुमको पता है कितना बेइज्जती महसूस हो रहा है हमको? हाँ, कंजूस कहीं के। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे आंटी ने तुम्हें चाय पे ही बुलाया था। अरे नहीं बुलाया था, लेकिन थे तो हम लोग मेहमान ही ना। हाँ, और भी इतना कंचा मेहमान गया है और कोनो खातिरदारी नहीं। अरे कोई तरीका है ये? अरे हमारे बांदा आके देखो, पड़ोसी भी हमारे घर में आता तो उसको बगैर चाय पानी पिलाए हम लोग बाहर नहीं जाने देते हैं। सुनो, पहली बात की है मुंबई है, तुम्हारा बांदा आप नहीं है। और वैसे भी वो मिठाई का डब्बा मैंने उन्हें किसी मकसद से दिया। मकसद? कैसा मकसद? उस मिठाई से हमें ये पता चलेगा कि उस घर में चल क्या रहा है। तो बड़ी चंट हो तुम, कैमरा वैमरा डाल के दियो क्या मिठाई के डब्बे में? तुम पागल हो क्या? कैमरा डालूंगी तो उन्हें पता नहीं चल जाएगा? तो फिर कैसे पता चलेगा वहाँ पे क्या हो रहा है? बाद में बताऊंगी, अभी चलो। साविर बिटिया। पंडित जी, आप यहाँ? बहुत बड़ी समस्या आन पड़ी है बेटा, वो जो मोहना है ना, वो वापस आ गई है। What? और इतना ही नहीं, इस बार वो पिया बिटिया और उसके होने वाले बच्चे के पीछे है। पर पंडित जी, वो वापस कैसे आई? बिटिया, ये समय ये बातें करने का नहीं है। इस समय तो हमें ये सोचना है कि पिया बिटिया और उसके होने वाले बच्चे को मोहना से कैसे बचाया जाए, उसका कोई उपाय ढूंढना है। पिया बिटिया की सुरक्षा के लिए मैं पार्थ शिवलिंग से ये त्रयंबक भस्म लेकर आया हूँ। तो चलिए पंडित जी, पिया दी को ये जाकर देते। नहीं बेटा, मैंने प्रयास किया था, परंतु मोहना ने अपनी काली शक्ति से पूरे घर को बांध रखा है। उस घर के अंदर न कोई जा सकता है न कोई आ सकता है। तो उस घर के अंदर जाने का कोई और रास्ता नहीं है? एक उपाय है, छत से।
लेकिन पंडित जी उसके लिए तो 40 महाला ना चढ़ना पड़ेगा। अबे कौन बेवकूफ चढ़ेगा ये 40 महाला? नहीं नहीं देखो ये गलत है ये सब। हाँ हाँ हा, हम नहीं चढ़ेंगे, पागल हैं हम। तुम ही चढ़ो। पिया बेटा कहाँ जा रही हो? पिया गुस्से से काम लेने का वक्त नहीं है ये, हमें शांति से काम लेना। पिया अंश की जान खतरे में है और पता नहीं डायन वृक्ष से कहाँ लेकर गया है, और क्योंकि अंश को पता है मोहना को क्या चाहिए, मोहना उसे हम तक पहुंचने नहीं दे रही है। पिया इस हालत में तुम मोहना का सामना भी तो नहीं कर सकती। भाभी ठीक कह रही है पिया। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम पिया तक नहीं पहुंच पाओगे और इस डायन वृक्ष को भी वापस नहीं बुला पाओगे। तुम अभी बच्चे हो अंश, माँ की चालों का सामना नहीं कर सकते। सामना नहीं कर सकती लेकिन उससे पूछ तो सकती हूँ। पिया आप लोग अंश कहाँ है? यही कहीं होगा। क्यों नाटक मत करो, ये बताओ अंश कहाँ है? कमाल है, तुम्हारा पति है, तुम्हें पता होना चाहिए ना, जैसे मुझे हमेशा पता होता है मेरे पति यानी शेखर जी कहाँ है। और वैसे भी मैंने घर को चारों तरफ से अपनी डायन मंत्र से बांध के रखा है, वो बाहर कहीं जा ही नहीं सकता, घर में ही कहीं होगा। देखो झूठ मत बोलो, मैं जानती हूँ तुम्हें अच्छे से पता है अंश कहाँ है और उसके गायब होने के पीछे तुम्हारा ही हाथ है। गायब? अंश गायब हो गया? ऐसा क्या कर रहा था अंश जो गायब हो गया? मोहना के रहते हुए अगर हम डायन वृक्ष को यहाँ बुलाएंगे तो उसे पता चल जाएगा। डोंट वरी, इससे पहले उन्हें पता चले हम अपना काम कर लेंगे। क्या हुआ बहुरानी, मुंह में दही क्यों जमा लिया? अच्छा ठीक है, तुम पति पत्नी के आपस की बात है, नहीं बताना चाहती हो तो मत बताओ, चिंता मत करो। वैसे भी तुम्हारे लिए इस हालत में चिंता करना ठीक नहीं है, तुम्हारा पति ज्यादा दूर नहीं गया है, वो आ जाएगा। अपने दादी बनने की खुशी में मैंने आप सबके लिए खीर बनाई है।
कुछ भी हो जाए हम में से कोई भी मोना की बनाई हुई खीर नहीं खाएगा, क्योंकि मैं जानती हूँ उसने जरूर उसमें कुछ मिलाया हुआ है। और पिया तुम तो उसे हाथ भी मत लगाना। वो सब तो ठीक है माँ, लेकिन मुझे अंश की बहुत फिक्र हो रही है, पता नहीं वो कहाँ होगा। पिया बेटा, अंश जहाँ भी होगा ठीक ही होगा, क्योंकि वो एक दावंश है और उसकी जिंदगी में दैविक है। हाँ, मैं तो कहती हूँ कि अच्छा हुआ कि अंश घर पे नहीं है, हम सब तो यहाँ फंसे हुए हैं, कम से कम वो तो बाहर है। बहुत अच्छा है कि अंश बाहर, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमें मोना के चक्रव्यूह से बचाने के लिए अंश कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ निकालेगा। अरे वाह, we'll be right back.